आप सबका स्वागत है और आज इस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, राज्यसभा सदस्य राजीव गोड़ा जी, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा जी, राज्यसभा सदस्य और रमणी जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इसकी खूब चर्चा होती है और हमारे जीवन से बहुत नज़दीक से ये सब जुड़े हैं और इसके बारे में चिंता ना केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को है। और वन और वन क्षेत्र का इससे बहुत गहरा जुड़ाव है। वन क्षेत्र कैसे बना रहे, कैसे आगे बढ़े, उसके लिए भारत सरकार ने भी अलग अलग अधिनियम नियम बनाए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसमें अमेंडमेंट 1988 में हुआ और उसके नियम भी बने और उसके हिसाब से फॉरेस्ट लैंड एक इंच भी भारत सरकार की अनुमति के वो किसी अन्य रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा दृष्टांत सामने आया है जिसमें वन क्षेत्र फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नियमावली उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के बाद सबसे कद्दावर नेता बृजभूषण अग्रवाल, जो इस समय कृषि मंत्री हैं, पहले सिंचाई मंत्री, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से फॉरेस्ट लैंड का बैनामा दिखाकर कब्जा कर लिया और उसमें आलीशान रिजोर्ट का निर्माण अब कराया जा रहा है। ये ज़मीन विष्णु साहू नाम के एक किसान ने 1994 में एक दान के रूप में सरकार को दी थी और तब से वो पहले नहर निकालने के लिए, बाद में उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई, रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से वो दान पत्र दिया गया, वैसे जवानी नहीं। और इसके अलावा जो सरकारी ज़मीन, जो आदिवासी और किसानों को सरकारी ज़मीन पट्टे पे दी जाती है, उस पर भी कब्जा किया सरकारी ज़मीन ने, वो भी कब्जा किया। वो कब्जा इसलिए किया जहाँ रिजोर्ट बना रहे 300 एकड़ में उन्होंने फेंसिंग कर ली और उस फेंसिंग के अंदर जिस भी किसान की ज़मीन आई ज़बरदस्ती उससे बैनामा कराया गया, सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा किया गया और पट्टे की ज़मीन है उसके भी ज़बरदस्ती बैनामा कराया गया। पूछा गया कि सरकारी ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, बगैर कलेक्टर की परमिशन के, बगैर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की परमिशन के बैनामा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली मंत्री से संबंधित मामला था इसलिए वो सबने कानून को नज़रअंदाज किया। इसके अलावा वो 300 एकड़ जिसमें उनका रिजोर्ट बन रहा है, एक छपोरा डैम है, छपोरा डैम का पानी भी उन्हीं के 300 एकड़ के जो भूमि है उसी के लिए पूरा इस्तेमाल हो रहा है। जो सरकारी दस्तावेज और जांच हुई, हर एक ने ये स्पष्ट रूप से इंकित किया है कि ये वन भूमि है और ये अनाधिकृत कब्जा है, इसको हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 दिसंबर 2016 को एक कंप्लेंट हुई, उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के जवाब में जितनी भी जांचें हुई उन जांचों में पूरा स्पष्ट हुआ कि हाँ ये वन भूमि है और ज़बरदस्ती इन्होंने गलत तरीके से बैनामा उसमें कराया है, लेकिन फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ये हम लोगों ने मांग की है, विधानसभा में भी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र चल रहा है वहाँ पर भी मांग उठाई गई। हमने भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए और जो वन भूमि या दूसरी सरकारी ज़मीन है जिस पे ज़बरदस्ती कब्जा है, अनाधिकृत कब्जा है, वो सरकार वापस ले, उनको बेदखल करे और फर्जी बैनामा कराने पर जो अपराध किया है, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए और प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहेंगे, जब उन्होंने बार बार कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ऐसे मामलों को उनके कार्यालय को सीधे अवगत कराने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हमने सवाल पूछा है। और छाया वर्मा जी सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी छत्तीसगढ़ से हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि इस बारे में कुछ अपने बारे में बताएं। किसी राज्य का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस राज्य की विकास कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही शर्मसार घटना है ये। मैं बताना चाहूँगी कि जिस जगह पे रिसोर्ट बनने वाला है उससे उसके ठीक सामने 10 फरलांग में सिरपुर करके एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ पर उस पर्यटन स्थल में ईसा पूर्व 11वीं और 12वीं सदी के अवशेष रखे हुए हैं। वहाँ पर आगे चलकर वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल विश्व के मानचित्र में आने वाला है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि किसी ज़माने में वहाँ पर एलियन आया करते थे, ऐसा वो प्रसिद्ध स्थल है। और उस स्थल पे इस तरह से वन भूमि को कब्जा करना, ये तो बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक घटना है। इसके अलावा उस महासमुंद जिले में 10,000 एकड़ जमीन अवैध तरीके से लोगों के नाम रजिस्ट्री हुई है। मैं शासन से मांग करूंगी, प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगी कि पूरे महासमुंद जिले का फिर से जांच करवाएं और जो भी वन भूमि है उसको हमें वापस दें, शासन को वापस करें। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और हम तीनों ने राज्यसभा में नोटिस भी दिया था, हम तीनों ने एक साथ ये मामला उठाया था, तो इनसे भी कहूँगा कि तो शब्द इस बारे में जरूर। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, ये भाजपा का डबल स्टैंडर्ड क्यों, दोहरी चाल, दोहरी भाषा, दोहरा आचरण, दोहरी बात क्यों, जब उनके एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ जितनी भी जांचें हुई सब साबित हो गई, तो अब इंतजार किस बात का। दूसरा सबसे बड़ी बात है, सिर्फ जमीन ग्रैबिंग का मामला नहीं है, लैंड ग्रैबिंग का मामला नहीं, फॉरेस्ट लैंड ग्रैबिंग का मामला है, जो जहां पे सरकार एक निश्चित धनराशि को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए खर्च कर चुकी है उसी लैंड पे, और वो ली गई। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ, अगर अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम हुआ, अगर अभी तक वो जेल के अंदर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल में हैं, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी का दोहरा आचरण होता है। ये करोड़ों रुपए की जमीन के लिए, अरबों रुपए की जमीन के लिए कुछ अलग, और जहां अभी कुछ प्रूव नहीं होता, जितनी ताकत वो बेंगलोर में लगाते हैं, जितनी ताकत वो और जगहों पे लगाते हैं, मैं तो उनसे कहूँगा जहाँ प्रूव्ड है वहाँ पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। कल हम आज नोटिस दी थी हम लोगों ने 267 में, कल भी देंगे और इस पर वहाँ भी उठाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सरकार और संगठन एक ऐसे कदम पर खड़ा है जहाँ सब चीज़ प्रूव होने के बाद अगर कदम नहीं उठा रहा, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ अग्रवाल दोषी नहीं है, पूरी भाजपा दोषी। मैं एक मिनट, और मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरे अच्छे संबंध है, किसी की साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी से उनसे क्या ऐसे मधुर संबंध है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सवाल